दिले वेलकम बैक टू माई सांगे चैनल। तो मैं और मेरा हस्बैंड आज जा रहे हैं, हम लोग का वेडिंग का आज कंसल्टेंट से मिलना होता है। तो इधर कनाडा में क्या होता है कि ना, अगर आपको मैं सबसे पहले वेडिंग का वो कैबिन बुक करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर पे करना होता है। तो फॉर्म एक होता है ना, वो फॉर्म भर के जहाँ पर भी मैरिज सेरेमनी होता है, जैसे कि इधर में मेरा मिसिसागा में होता है, इधर सिटी सेंटर में ना, तो इधर पे जाके फिर आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसका फीस 130 समथिंग होता है, जो मैरिज लाइसेंस वो बहुत ज़रूरी है वेडिंग करने के लिए। तो वंस वो मिल जाए तो विद इन 3 मंथ में आपको शादी करना ही करना होता है। तो 3 मंथ से अगर बाद में हो गया तो आपका वो मैरिज लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आज जा रहा हूँ कंसल्टेंट से मिलने के लिए। तो आफ्टर 2 डे मेरा वेडिंग है। तो वेडिंग जो होता है सबके लाइफ में एक बार होता है, और इट्स मीन्स अ लॉट टू एवरीवन हु एवर गेटिंग मैरिड, राइट। जब इंडिया में इधर कनाडा आ रहा है तो मेरे को इतना इच्छा हुआ कि मेरा वेडिंग इतना ग्रैंड इतना अच्छा से मनाऊं मैं इंडिया आके। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग हर लोग का एक सिचुएशन आ जाता है लाइफ के, लाइफ में है कि नहीं ना, जो इच्छा हो वो नहीं पूरा हो पाता है। इसलिए मैं भी इंडिया नहीं जा सका, और जब मैं और मेरा हस्बैंड आ रहा था तो हम लोग का टिबेटन का जो छोटा सा सेरेमनी होता है तो वेडिंग का, वो हुआ था ऑफ कोर्स, लेकिन इतना ग्रैंड पार्टी वगैरह नहीं दे पाया। तो फिर अभी फाइनली हम लोग का 2 बच्चा तो है, लेकिन फिर भी इधर कनाडा में वेडिंग रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इन द फ्यूचर आपका कुछ भी हो सकता है, तो एज अ बेनिफिट होता है कि वेडिंग रजिस्ट्रेशन करने से, तो हस्बैंड वाइफ का लाइफ में कुछ भी होना, तो आप लोगों को पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसलिए वेडिंग रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अभी एज अ कॉमन लॉ पार्टनर रह रहे हैं हम लोग का, इसलिए गवर्नमेंट का वो कुछ भी नहीं है। इसलिए फाइनली हम वेडिंग कर रहे हैं, तो जो भी हो तो मेरे को फिर भी वेडिंग तो वंस इन अ लाइफ होता है, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है सिंस वेडिंग फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। तो फिर अभी मेरा फ्राइडे में वेडिंग है, फिर मैं जितना हो सके आप लोग को वीडियो आपको इधर में दिखाएगा मेरा वेडिंग में कैसे होता है। सिंस इट्स माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, तो मेरे को भी इतना पता नहीं है कि, तो दिखाते हैं आप लोग को, बने रहे मेरा वीडियो पे। और ऑफ कोर्स मेरा फ्रेंड लोग को वेडिंग पार्टी भी देगा, तो उस टाइम में मैं आप लोग को ज़रूर वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगी। तो हम क्या करते हैं, मेरा फ्रेंड लोग भी बहुत एक्साइटमेंट है, तो मेरा फ्रेंड लोग भी मेरा सारा फ्रेंड जो है ना इधर, वो लोग भी इतना अभी वेडिंग ऐसा नहीं किया है, तो वो लोग भी वेडिंग एक बार ज़रूर करेगा। उस टाइम में भी आप लोग को मैं वीडियो डाल के आप लोग को दिखाएगा। ओके, जो मिसिसागा में शादी करेगा तो इधर पे आना पड़ेगा, 300 सिटी सेंटर ड्राइव। ओके, तो मेरा हस्बैंड मेरे को लेके जा रहा है डायमंड रिंग खरीदने के लिए, तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ गाइस। आप लोग देख रहे हैं मेरा फेस का चमक। ओके, सो दिस इज द माइकल हिल गाइस, फाइनली आई एम हियर। सो लास्ट टाइम वी वेंट दिस रिंग नॉट ऑन ओकेजन बट वी बॉट इट हियर, सो लेट्स सी। हाय, हाउ आर यू? सो लास्ट टाइम आई सॉ वन वेरी नाइस रिंग समवेयर हियर। लुक एट द क्यूट रिंग्स गाइस, I prefer the yellow gold. Which one was it you wanted? This one. The yellow or the white? Yes, yellow, yeah. Yellow. Beautiful. Yeah. Can you close, please? Thank you so much. Wow, finally my wedding ring.
Thank you. Oh, we get the receipt is with him. Yes, thank you so much. See you. Thank you. Take care. मैंने ring खरीद लिया. वैसे ये पहला ring जो ये खरीदा था मैंने Michael Hill से खरीदा था. लेकिन उधर पे अभी साइजिंग के लिए दो हफ्ता लगेगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है. मेरे को फ्राइडे में चाहिए, कमिंग फ्राइडे में, विच इज आफ्टर वन डे. तो मैं ब्रिक्स पे गया तो ब्रिक्स पे भी वो लोग के पास इतना साइजिंग नहीं है क्योंकि मेरा हाथ बहुत छोटी है. तो फाइनली मैं पीपल डायमंड से वो लोग अभी साइज करके मेरे को दे दिया. तो आई गॉट माई रिंग गाइस, थैंक्स टू माई हबी. ओके, तो हम अभी जा रहा है घर पे. ओके, सो लेट मी ड्रेस अप फॉर माय वेडिंग. सो सिंस इट्स अ वेरी बिग डे फॉर मी, स्पेशली फॉर ऑल द गर्ल, सारा लड़की लोग के लिए ये दिन तो सबके लाइफ में इतना स्पेशल पार्ट होता है. तो ड्रेस अप हो गया. तो सिंस मेरा माँ मेरे पास नहीं है अभी इसी टाइम में जो इतना खुशी के दिन है, तो इतना थोड़ा इमोशनल फील कर रहा हूँ. लेकिन उसका ब्लेसिंग हमेशा मेरे पास रहेगा. तो मैं मम्मी का जो दिया हुआ ब्लेसिंग मैं पहनती हूँ. तो हर तो अपना स्पेशल ओकेशन में माँ बाप हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों लोग के लिए ब्लेसिंग देते हैं. और ये हम लोग इतना खुश नसीब है कि मेरा माँ ने ये मेरे को एज अ ब्लेसिंग दिया है. तो मैं हमेशा मेरे पास रखेगा, बाद मेरा ऑब्वियसली मेरा बच्चा भी कैरी करेगा. इसलिए जो माँ बाप का दिया वाला ब्लेसिंग है वो हम लोग हमेशा खुद के पास अच्छा से रखना चाहिए, यही मेरा मानना है. तो ये मेरा माँ का दिया हुआ और ये मेरा बाबी ने खरीद के दिया हुआ है. तो मेरे को लड़की लोग का जो भी कुछ पहनना ऐसा ट्रेडिशनल होता है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ये मेरा बाबी ने भेजा था लास्ट टाइम मेरा भैया आते समय. तो ये पहनेगा कैप, तो ये भी मैं पहनेगा भी ऐसे करके. ओके, सो आई एम ऑल सेट. We are here now. Chalo family. Le so da le so. Hacha to ha ha. Okay, dang anso le so da. Hala do was. Yigi yigi pu. Ama gi changsa ni pu ni de peso de da da ama gi changsa thong da. Da pu ni la gu de ma changsa la. 不过你给俺你长沙当过什么啥不过点子别得把多少顶上啊呀怎么行。OK，当俺做出的去我来appointment是个人，你的啊，好了，俺做cabin的，不让做给直接把位置给多，俺去去我那就当车个不得嘞，你俺做去我那跑的车我就跑嘞，那你这么着，你俺做的是六七年吧。OK，当俺做那时候。 当时的时候，咱们去的是长沙的，当个certificate给取得去吧。我今年当，俺的grand party都嘛嘞，俺让给他，啊，拼个，他牛拼个当，俺的嘛是有嘛嘞，俺的你跑了，跑了，不木给长沙了，赶紧，赶紧飞了一朵。哎，他妈你长沙的，哎，咋不叫兄弟啊？
Jingmi, how are you feeling? Very happy? KK, सबके साथ भाग भाग के आओ. Okay. Third floor. सबके सब आ जाओ मेरा शादी में जाने के लिए. सबके सब आ जाओ मेरा शादी में जाने के लिए. मेरा शादी का मंडप दिखाएगा सबके सबको. ये है मेरा शादी का चैपल्स. ओके सबके सब बैठ जाओ.
promise we will love. Una. Thank you so much. Thank you for having me. Have a great day.